नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी एफआईआर कराने के चक्कर में गई युवक की जान। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिजनौर की मंडावर का है, जहां बुधवार को युवक ने अपने विरोधियों पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के चक्कर में कंधे में गोली मारनी चाहिए, लेकिन फायरिंग के दौरान तमंचा फिसल गया और गोली युवक के सीने में जा लगी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। युवक की इस साजिश में परिजन भी शामिल थे। परिजन घर से 1.5 किलोमीटर दूर हालत में उसको फेंक आए, ताकि विरोधियों पर हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज कराई जा सके। आपको यह भी बता दें कि 6 महीने से जेल में बंद था मृतक का भाई। मृतक की मां ने बताया कि सचिन अपने भाई मोहित को जेल से छुड़ाना चाहता था और दूसरे पक्ष पर क्रॉस केस बनाने के लिए झूठी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। आपको बता दें कि मृतक युवक सचिन थाना मंडावर क्षेत्र के गांव खानपुर माधो उर्फ तिमरपुर निवासी था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलिएगा। नमस्कार।